वहीं रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य योजना से लाखों रुपए खर्च कर बनाई जा रही सड़क में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर क्षेत्रवासियों ने सवाल उठाए हैं। वहीं किसान यूनियन के नेताओं ने भी अपना विरोध जताया है। बता दें कि विरोध को देखते हुए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने फिलहाल सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया है। दरअसल मामला पाडली गुर्जर नगर पंचायत के तेलीवाला का है, जहां लोक निर्माण विभाग ने इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य शुरू कराया था, लेकिन क्षेत्रवासियों का कहना है कि निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है। वहीं सड़क की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है। हालांकि अब निवासियों के भारी विरोध के चलते लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने आनन फानन में सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया है। आइए सुनते हैं इस पर लोगों का क्या कहना है। ये सड़क को लेकर भाई, ये हमारा रोड अंडरपास से लेके पाडली गुर्जर तक जो पास हुआ था, इसमें सांसद जी ने पास कराया था और उनके द्वारा 70 लाख रुपए का बोर्ड उन्होंने लगा दिया कि 70 लाख की निधि है। फिर हमारे विधायक जी आए, जो 3 बार के विधायक हैं, फुरकान विधायक जी हैं कलियर से सीट से, और वो कहते हैं कि चहुमुखी विकास हम करते हैं, और वो भी आए, उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया। पहले तो हम इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि इन्हें पता लग रहा है इसको बनवा रहा कौन है। फिर दूसरी बात, जो इसमें सामग्री लग रही है वो बहुत थर्ड क्लास की है, किसी को भी दिखा दो, किसी कहीं भी अधिकारी आते हैं वो अपना वही बंदर बांट वाला 30% वाला मसला है, इसके अलावा और दूसरी कोई बात है नहीं। जो दुकानदार है, जो आसपास के बेचारे घर वाले हैं, वो बड़े परेशान हैं। आप अगर इन्हें कहा भाई इनको सही करके बना दो, ठेकेदार कहता है वो कि जी हमारा यहीं पर पास है, हमारे पास कोई जियो को बोलते हैं, जियो नहीं दिखाते। इसके अलावा इन्होंने 3 रोड बनाई हमारे गाँव में, एक पनियाला रोड, एक ये पाडली में अंदर एक रोड बनाई फैक्ट्री के पास में, वो 15 दिन में वो रोड भी बैठ गई। जो तेली वाला पाडली गुजर में कार्य चल रहा है, अभी टाइल्स का कार्य चल रहा है, जो मुख्य मार्ग है उस पर चल रहा है, उसमें मैं स्वयं साइट पे गई थी, निरीक्षण करके आई थी, तो उसमें टाइल्स में जिन टाइलों में कमी है वो सब हमारे द्वारा निकाली जा रही है। कुछ टाइलें हमारे द्वारा कल भी निकाली गई है और आज भी हमारे जेई साइट पर गए हुए हैं, जो भी कमियाँ होंगी वो हमारे द्वारा ठीक कराई जाएंगी।